हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुववेद एकेडमी एंड नाउ यू आर विथ योर विक्रांत सर। तो आप आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया था रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस की, और उसमें हमने सबसे पहला रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर लिया था, दैट इज कॉल्ड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब उसी से मिलता जुलता एक और रीअरेंजमेंट है जिसका नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन काम सबसे अच्छा है, जिसका मतलब हमने पिनाकोलोन का एक और सब टॉपिक देखा था जिसका नाम था सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो उसी की एक स्टोरी में आगे बढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टिफेन्यू डिमेंजन ऑफ रीअरेंजमेंट। छोड़ो ना कोई सा भी रीअरेंजमेंट हो, पर कहानी क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। ये कहानी है एक सेमी पिनाकोलोन टाइप के रीअरेंजमेंट की, जो किसके साथ होती है, एक डाइजोनियम सॉल्ट की रीअरेंजमेंट है। क्या मैंने बोला, ढंग से देखना, दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ अ डाइजोनियम सॉल्ट। और वो डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा होगा, स्पेसिफिक डाइजोनियम सॉल्ट होंगे जो डराइव्ड किए जाते हैं किसके थ्रू, अमीनो अल्कोहल से। दैट इज द की पॉइंट। यानी अगर मेरा एक डाइजोनियम रीअरेंजमेंट करने के लिए जा रहा हो और वो डाइजोनियम स्पेसिफिक डाइजोनियम हो, किसके थ्रू बना हो, वो अमीनो अल्कोहल्स, अमीनो ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप के थ्रू वो अगर बनता हो डाइजोनियम और वो रीअरेंज करता हो, दैट इज कॉल्ड TD रीअरेंजमेंट। समझ गए बात को। तो शुरुआत करते हैं, तो टू अमीनो अल्कोहल्स होते क्या हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास एक अल्कोहल ग्रुप है और उसी के सेकेंड पोजिशन पे अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज़ द 1-2 अमीनो अल्कोहल। तो टू अमीनो अल्कोहल से पहले क्या करना है, डाइजोनियम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे डाइजोनियम बनाते हैं N2 पॉजिटिव, और देयर इज अ डाइजोनियम। और इसको बनाने में आप लोगों को पता है कि वो एक नाइट्रस एसिड से बनाए जाते हैं HNO2, और जब तुम इसमें डालते हो ये N2 पॉजिटिव बन जाता है और ये रीअरेंज करके एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी कहानी है, एक डाइजोनियम बनाओ, रीअरेंज करो और उसे कीटोन में कन्वर्ट कर दो। यहाँ भी था NH2 है, यहाँ पे क्या डाल दे, HNO2। और आपको पता है HNO2 बनाने के लिए शायद हमने NaNO2 का भी इस्तेमाल किया है और HCl का इस्तेमाल किया। ये सब आपने 12th में पढ़ा है बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टेबल नहीं होते हैं, इन्हें इन सीटू प्रिपेयर किया जाता है। तो शायद आपने पढ़ा है कि ये इक्विवेलेंट किसके होता है, HNO2 के। तो ऐसे केसेस में NH2N2 पॉजिटिव बनता है और ये एक कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब TD रिएक्शन किस टॉपिक की रिएक्शन से, एक डाइजोनियम सॉल्ट के रीअरेंजमेंट की। और वो डाइजोनियम सॉल्ट किससे मिलके बना होगा, NH2 से डाइजोनियम बना होगा, अमीन से, 1 डिग्री अमीन से डाइजोनियम बनते हैं बच्चा। अब यहाँ पे डाइजोनियम स्पेसिफिक 1-2 अमीनो अल्कोहल का होगा, तो दिमाग में बैठा लो, अगर 1-2 डाइओल की जगह 1-2 अमीनो अल्कोहल दिए हुए हैं तो ये कहानी थोड़ी सी बदलेगी। पर डिफरेंस क्या होगा पिनाकोलोन और सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, जरा देखना। आपने पढ़ा है बच्चा कि यहाँ पे जो डायोल्स होते हैं ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की स्टोरी बनती है। यहाँ पे आप एसिडिक कंडीशन डालते हो ना, और एसिडिक कंडीशन डालने पे आप इसको वाटर मॉलिक्यूल बनाया करते थे। वाटर मॉलिक्यूल बनने के बाद लिविंग ग्रुप कौन होता था बताओ, वाटर। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन होगा, N2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप वाटर था और इसी को धक्का मारने पे ये निकल जाता था और यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाती थी। पर यहाँ पे यही चीज़ें बदलेंगी, यहाँ से ये धक्का मारेगा और ये निकलेंगी। तो इसी में मैं बात करूँगा, दैट इज़ द 3 इम्पॉर्टेंट लेवल्स। और वो 3 इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, जरा उनके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं कहानी कैसे शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लेवल 1 के बारे में। लेवल 1 बोले तो बस एग्जाम में पहचानो कि ये कहानी TD रीअरेंजमेंट की है और इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट एंड देन मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कैसे ये मैकेनिज्म आगे बढ़ती है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को सबसे डिटेल्ड मैनर में। तो पहला, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ दिस रिएक्शन। तो लेवल 1 में क्या बातें होंगी, जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का। कहानी शुरू होती है एक अमीनो अल्कोहल से, यानी OH ग्रुप होगा और NH2 ग्रुप भी होंगे, और यहाँ डाला होगा HNO2 ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12th की स्टोरी याद रखना होगा, HNO2 सेलेक्टिव होते हैं,
क्योंकि ये किसी को क्या जनरेट करते हैं, एनओ पॉजिटिव को जनरेट करते हैं, इनके थ्रू क्या जनरेट होता है बच्चा, एनओ पॉजिटिव, और यहीं से इन दोनों ऑक्सीजनों में से ये न्यून पे ज़्यादा न्यूक्लोफिलिक होंगे, ये अटैक मार देते हैं और इसी से NN का बॉन्ड बन जाता है और H2O निकल जाता है। इसकी मैकेनिज्म आपको पता होगी, यहां से क्या निकलता है H2O और N मिलके N2 बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। तो मैकेनिज्म पे इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा, फिर तो मैं 12th लेवल में घुस जाऊँगा। तो प्लीज़ इतना तो हमें बता दो कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन मिल जाएंगे बच्चा लोग, और ये दो नाइट्रोजन जब मिलेंगे तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और N पे चार्ज कौन सा होगा, क्योंकि इसने चार बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज, यस ये लिविंग ग्रुप है। थोड़ा सा भी हीट देने पे N2 निकल जाएंगे, और आप मुझे बताओ अगर N2 रिलीज होंगे तो देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार्बोकैटायन क्यों बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, और अगर ये कार्बोकैटायन बना, वही पुरानी बातें, ये एक कॉमन इंटरमीडिएट बन गया है, ये पॉजिटिव चार्ज बनते ही ये बोलेगा जी यहाँ स्टेबल रहूँगा मैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर मुझे ज़्यादा प्यारा है इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से, है ना यार, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से जो स्टेबिलिटी मिलेगी उससे ज़्यादा मेसोमेरिक स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज कौन करेगा बताओ, ये ग्रुप शिफ्ट होंगे, और शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो आप हमें बता दीजिए क्या करने वाले हैं आप, इस लोन पेयर को ये कीटो फॉर्म स्टेबलाइज, मतलब ये ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर देगा, और यहाँ पे आपके मिथाइल ग्रुप लग चुके हैं, कहानी शुरू हो चुकी है, और एंड की ओर है, सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव CH3, और लास्ट में H को निकाल फेंकने का आपका कीटोन बन के तैयार है, है ना, आसान सी कहानी। तो आप यहाँ पे लिविंग ग्रुप किसको क्रिएट कर रहे हो, NH2 को, और यहाँ NH2 N2 पॉजिटिव बनने के बाद लिविंग ग्रुप बनेगा, दैट इज कॉल्ड TD रीअरेंजमेंट, और नाम को कोई याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, द पॉइंट इज जस्ट नो अबाउट दिस कि ये होता क्या है, एंड देन कंप्लीट करिए इसको, आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े, गुड। तो लेवल 1 में वी हैव टू नो अबाउट द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, बट याद रखना यहाँ पे एक स्पेसिफिक है, वो ये है यहाँ हमेशा N2 पॉजिटिव ही लिविंग ग्रुप होंगे, तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, अगर मान लीजिए वी हैव अ OH एंड इफ वी हैव अ NH2 ग्रुप, फाइन, एंड इफ वी हैव अ HNO2, व्हाट विल यू डू, क्या करने वाले हो यहाँ पे, अगर यही कहानी इसके थ्रू होती तो क्या होता, आप ही बताओ, यहाँ OH है और ये कहानी अगर इनके थ्रू होती तो क्या होता, आप ही हमें बताओ, कौन सी रिएक्शंस में एक जैसे प्रोडक्ट बनते हैं बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, आप इन दोनों को पढ़ चुके हो, इन दोनों को पढ़ चुके हो, पिनाकोल सेमी पिनाकोलोन टाइप की रिअरेंजमेंट पढ़ चुके हो ना यार, तो आप बताओ यहाँ पे आप क्या करते हैं OH और OH में, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है तो कार्बोकैटायन जहाँ स्टेबल बनेगा वहाँ से कहानी बनती, तो इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव यहाँ बनता और हाइड्राइड शिफ्ट होते, तो दैट मीन्स वी हैव दिस एल्डिहाइड इन दिस केस, सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ OTS ग्रुप यही है, वाटर है नहीं तो सेमी पिनाकोलोन ये भी था, यहाँ से ये लीव करता, मिथाइल शिफ्ट होता और यहाँ पे बन जाता कीटोन, क्या मेरी बात आप समझ पाए, ऑफ कोर्स समझ पाए हैं, ये दोनों पुरानी बातें हो गई और नई बात यहाँ है, यानी यहाँ HNO2 डालते ये तो स्पेसिफिक है इसी पे अटैक करेगा, अरे समझ गए, NO2 पॉजिटिव निकलेगा इसी पे अटैक करेगा, N2 पॉजिटिव इसी का बनेगा, लिविंग ग्रुप स्पेसिफिक है यही बनने वाला है, कोई सोचने की बात ही नहीं है, तो ये लीव किया यहाँ पॉजिटिव बने, इससे पहले ये रीअरेंज करा दो और यहाँ पे बच्चा क्या बना दो, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो है ना, MSQ में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, MSQ ऑफ गेट, MSQ ऑफ जैम, कि इन तीनों रिएक्शनों में कौन सी रिएक्शन एक जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपको चेक मारना है ये वाले और ये वाले, ये कीटोन बनाएंगे, ये तो एल्डिहाइड बना देगा, तो है ना ये पुराने जैसी ही बातें, पर थोड़ी सी नई चीज़ें, बस लिविंग ग्रुप थोड़ा बदल गया है और किसी को भी ये बनाने आ जाएगा पक्का ना, आगे बढ़े बढ़ जाते हैं। तो यानी फर्स्ट लेवल में हमें केवल अपने स्टार्टिंग मटेरियल को पहचानने का है और वो क्या कैसे काम करता है उन्हें बताने का है, शायद आप समझ रहे होंगे, है ना, आगे बढ़ते हैं, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जरा बोर्ड पे, इफ़ वी हैव दिस OH and if we have this HNH2, if we have this NH2 and OH, what will you do? आप हमें बताइए, अगर ये कहानी होती और यहाँ पे HNO2 होता, यहाँ भी HNO2 होता, what will you do बेटा?
यहाँ पे HNO2 है तो डाइजोनियम यही बनेंगे, पक्का समझ में आया होगा। और डाइजोनियम यही बनेंगे तो यहाँ से लिविंग ग्रुप ये होगा और ये ग्रुप एक्सपेंड करेगा। कहानी क्या होगी जरा बोर्ड पे देखिए, यानी आपको पता है दिस इज द स्ट्रक्चर, डाइजोनियम बनने वाला है, बना देंगे हम लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिविंग ग्रुप N2 पॉजिटिव, रीअरेंजमेंट उका लोन, फिर शिफ्टिंग, आप बताओ क्या बनना होगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। यस दैट इज अ साइक्लोहेक्सेनॉन, बट इन दिस केस N2 पॉजिटिव यहाँ बनेंगे बच्चा, देख लेना इसको। और अगर N2 पॉजिटिव यहाँ बन गए हैं, OH यहाँ लग गया है, N2 लीव करा, हाइड्राइड शिफ्ट, नो एक्सपेंशन ऑफ रिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव अ एल्डिहाइड ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हमारी बात आप समझ गए हैं, पक्का समझ गए हैं। चलिए तो इस लेवल को क्रॉस कर लेंगे, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए हमें, समझ गए। चलिए वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं। HW में लिखो है लेवल 1 का सवाल, वो ये है वी हैव सिक्स मेंबर्ड रिंग, वी हैव एन H2, वी हैव OH ग्रुप, यहाँ पे HNO2, what will be the product? If we have this group, NH2, OH group, HNO2, what will be the product? P and Q, शायद सब लोग बना लोगे इसको, अबे पहचान लोगे, पक्का ना, आगे बढ़े, गुड, मिटा देता हूँ मैं, नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेवल 2 की ओर, ध्यान रखना लेवल 2 परेशान करेगा, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप किसके साथ हैं, विक्रांत सर के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 में क्या पानी होगी जरा देखो इधर। लेवल 2 इज द स्टोरी ऑफ, पहले तो हमें बेचारा कि यहाँ पे डाइजोनियम बनाने ही पड़ सकते हैं, मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल भी खुद बनाऊं, है ना, और प्रोडक्ट भी खुद बनाओ, प्रोडक्ट तो बनाते ही थे, पर स्टार्टिंग मटेरियल अभी देता तो ठीक था ना, नहीं देगा तो क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, और अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो रिएक्शंस में बता रहा हूँ जो सबसे आसान है, सबसे पहले वो देख लो। पहला कहानी है, मान लीजिए वी हैव अ कीटोन और यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है HCN, क्या करोगे, एंड फर्स्ट ये दिया है तो आप बोलोगे सर HCN है तो CN माइनस होता है, अटैक करेगा, बॉन्ड खोलेगा, ओ पे माइनस बनेगा, ओ पे माइनस बनते ही ये OH बना दोगे और यहाँ पे CN, क्योंकि इस कार्बन पे अटैच हुआ तो ये C तो है ना यार, CN है और इसी पे बना है, साइनोहाइड्रिन बोलते हो इसको, अरे पढ़ा होगा 12th में यार, ये साइनाइड का अटैक हुआ, यहाँ ओ पे माइनस बना, H को ये ट्रांसफर कर देगा, दिस इज एडिशनल रिएक्शंस। एंड देन आफ्टर इफ वी हैव अ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इफ वी हैव H2PD चारकोल, क्या होता है, That will reduced to C है, यहीं पे क्या लग जाएगा बताओ, CH2NH2, ये जो CN bond है ये भी reduce हो जाते हैं और इनसे क्या बन जाता है, 2-amino alcohol। Wow, यानी पहले starting material prepare करो, पहले स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करो, उसके बाद डाल दिया गया है HNO2, उसका मतलब रिड्यूसिंग N2 पॉजिटिव एंड वी हैव अ रिंग एक्सपेंशन, अरे लेवल 1 में तो कराया है यार, इसका मतलब अगर हमें ये नहीं मिला तो उसे बनाने के लिए हमें साइनोहाइड्रिन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पक्का कर लेंगे क्या, कर लेना इसको, इस टाइप की क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए जस्ट गो थ्रू इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लेवल 2 में ही कहानी पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब अपने रिएक्टेंट की फॉर्मेशन की जर्नी है ना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, रिएक्शन ऑफ कीटोन विद डाइजोनियम, किसके साथ, डाइजोनियम सिस्टम के साथ, या डाइजोनियम बोल सकते हैं, यानी डाइजोनियम या फिर डाया अजोमीथेन, डाया अजो मीथेन, ओह इसके साथ रिएक्शंस की स्टोरी बना रहा हूं मैं, क्या होता है डाया अजो मीथेन जरा बोर्ड पे देखना, यानी रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड डाया अजो मीथेन से क्या चीजें बनेगी, लेवल 2 की स्टोरी बता रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमें पहले रिएक्टेंट बनाना होगा, है ना, देन आफ्टर आप क्या करोगे उसको रीअरेंज कराओगे। तो डाया अजो मीथेन का मतलब क्या होता है, चलो देखो अगर मैं डाया अजो की बात करूं तो हमेशा याद रखना यहां पे क्या होगा, N2 होंगे, ठीक है,
और मीथेन तो यानी एक कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, दैट इज अ डायजो मीथेन और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CH2N2। कोई भी जानता है इसको, वेरी गुड इंपॉर्टेंट रीजन एक्चुअली। तो डायजो मीथेन में क्या होता है, CH2 होते हैं और दो नाइट्रोजन होते हैं, या तो ऐसे लिखाओ या तो ऐसे लिखाओ। और हमें पता है इसको और इलेबोरेट किया जा सकता है कैसे, और तुम इसकी पोस्टमार्टम कर दो ना, देखो H है और यहाँ डबल बॉन्ड N है, तो N2 को इस तरीके से नहीं ऐसे दिखा दो। अब भैया ये दिखाओगे तो N पे चार्ज क्या होगा, प्लस, और इन पे माइनस, होते हैं न्यूट्रल स्पेसेस, पर इनके बीच में थोड़ा चार्ज होता है और इस चार्ज का वजह से क्या होता है, देखो ये लोन पे माइनस चार्ज रेजोनेंस करते हैं और रेजोनेंस करते ही ये जो आप देखते हो ना डायजो मीथेन, बच्चा लोग यहाँ पे N, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि N डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसके चार्ज को कुछ नहीं होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया दिया बात बराबर, पर यहाँ माइनस जनरेट हो जाएंगे। तो एक बात समझना, दैट इज अ स्पेसीज, ये तीन रोल प्ले करता है, आप आगे पढ़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, सोर्स ऑफ, आप ही बताओ बच्चा क्या होता है, सोर्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन के सोर्स हैं ये, यहाँ से N2 रिलीज होता है और कार्बिन बन जाते हैं, ये होता है एज अ बेस, बेस बोले तो बच्चा एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, एसिड दिखे, फिनोल्स दिखे, उसकी एच को चुरा के भाग जाता है ये, और तीसरा होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कोहीं पे भी अगर इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दिखता है तो वहाँ भी अटैक मार देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर वी हैव अ कीटोन, और कीटोन बोले तो बच्चा क्या, मान लीजिए इफ वी हैव अ फाइव मेंबर्ड रिंग, इफ वी हैव अ दिस स्पेसिस एंड इफ वी हैव दिस CH2N2, तो एक बात समझो, यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो तुरंत क्या करना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना, देखो बच्चा लोग यहाँ N2 पॉजिटिव बना देना, यहाँ माइनस बना देना, ऐसा कर दोगे डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर को ले आना, दैट स्ट्रक्चर इज CH2 - N2+, शायद आप इसको समझ गए होंगे, यानी CH2N2 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन H से जाने से पहले ये इस कार्बन पे जाएगा ना, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन होगा, और जैसे बॉन्ड ओपन होगा बोर्ड पे ढंग से देखो, यानी यहाँ पे O पे माइनस बनेगा और ये कार्बन यहाँ CH2 के साथ है और यहाँ पे क्या है, N2 पॉजिटिव, आहा, N2 पॉजिटिव, यानी ये एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, इस H को यहाँ लगा दो, ये क्या एक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप, और ये डोनर, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे एक कहानी जुड़ जाएगी, ये लीव करेगा यहाँ से, देखो इधर से लीव करा, पॉजिटिव चार्ज बनना था, ये वापस आया और रिंग एक्सपेंड हो गई, और जब रिंग एक्सपेंड हो गई तो कितनी मेंबर्ड की रिंग बनेगी, तो 6 मेंबर्ड की रिंग, दुनिया का कोई बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा और मेरे से पढ़ रहा होगा बना ही देगा यार यहाँ पे, जिसका मतलब ये कीटोन बन गया होगा ना, तो दैट इज द रिंग एक्सपेंशन। तो देखो ना बहुत खूबसूरती क्या है इसमें, एक 5 मेंबर्ड का कीटोन एक 6 मेंबर की कीटोन में बन गया, यानी स्टार्टिंग मटेरियल भी कीटोन, प्रोडक्ट भी कीटोन, और एक तरीके से रिंग एक्सपेंशन हुई है। तो कहानी क्या है, यहाँ पे आपको OHN2 पॉजिटिव बना करके नहीं मिले थे, यहाँ आपने अपनी बदौलत इसको बनाया, डायजो मीथेन टाइप के सिस्टमों को आप लेकर के आए और उसके बाद इसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया और देन रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो गई, पक्का ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देख लो, समझ लो और इसी पे कुछ क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, इसीलिए जहाँ परेशानी ज़्यादा ध्यान ज़्यादा और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना होगा हमें। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और एक कहानी समझो इसी पे क्या है, डायजो मीथेन के ना बहुत सारे रूप हैं, यानी N2 भले है यहाँ पे और यहाँ H की जगह बच्चा लोग कुछ भी हो सकता है, कभी कभी कोई R ग्रुप भी दे सकता है, कोई R ग्रुप बोले तो ज़रा देखो यहाँ पे N2 है और R ग्रुप मान लो यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल दे दिया, तो अभी डायजो मीथेन के डेरिवेटिव्स बन गए। अगर मेरे पास यहाँ पे N2 दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप आपको दे दे, डरना नहीं है ना, डरना नहीं, कुछ भी दे सकता है आपको, पर याद रखना अगर ये CH2N2 होता तो यहाँ पे आपको HH लिए गए होते, इसकी जगह कुछ भी दे सकता है, इसलिए एग्ज़ाम में आपको कैसे सवाल मिलेंगे वो एक बार देखोगे क्या। देखो अगर एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए N2CHC OET, क्या समझोगे इसके बारे में, N2 पहले दिया है, जैसे CH2N2 देता था N2 पहले दे देगा, तो इसका मतलब तुम बोलोगे ना सर N2 बोले तो N2 यहाँ पे है और इस पे H भी लगा है और इस पे CH2N2 भी लगा है, यस दिस इज अ डायजो मीथेन डेरिवेटिव, है ना यार।
तो यहाँ पे क्या होगा, एन टू पॉजिटिव, आप तुरंत क्या करोगे, सर इसको तोड़ दें? बिल्कुल तोड़ दो ना, पूछने की क्या ज़रूरत है, तोड़ दो। माइनस प्लस, अरे कर लोगे ना यार, और यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा और कहानी शुरू हो जाएगी। तो एक सवाल कर लेते हैं ना, अगर मान लीजिए, नोट कर लेना इसको, अगर मान लीजिए मेरे पास सवाल दिया गया है और उस सवाल में ये सवाल भी पूछा गया है कि इफ़ वी हैव दिस सिक्स मेंबर्ड रिंग, देखो इसकी ब्यूटी इतनी है ना कि सिक्स मेंबर्ड रिंग सेवन में भी चले जाते हैं, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन, और ऐसे लिखा हुआ आपको मिल गया एन टू सी एच सी डबल बोन ओ एम ई, और आपसे पूछा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तुम बोलोगे ओहो क्या है भैया, कीटोन है और सामने जो रिएक्टेंट है वो क्या है, जरा बोर्ड पे देखो। तुम बोलोगे सर यहाँ एन टू लिखा हुआ है, तो एन टू को मैंने हमेशा बोला है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ क्या है सर बोलो, यहाँ यहाँ सी डबल बोन ओ एम ई लगा है और यहाँ एच लगा है, क्या करें इसका, अबे ये कार्बनायन है, तोड़ो इसको, माइनस बनाओ प्लस बनाओ, क्यों बनाते हैं पता है आपको, मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक अटैक बॉन्ड शिफ्टिंग। आप बोलोगे ओहो तो क्या हुआ इससे, हुआ बहुत कुछ, यहाँ ओ पे माइनस बन गया, कार्बन कार्बन के नए बॉन्ड बन गए, लिविंग ग्रुप भी तैयार हो गया एन टू पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे पड़ा है सी डबल बॉन्ड का इस कार्बन के साथ, ओ एम एच को दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या होगा, लीव करा, पॉजिटिव बना, रिंग एक्सपेंड कर गई, और अगर रिंग एक्सपेंड कर गई तो कहाँ बन गया, ये सेवन मेंबर्ड रिंग, और अगर सेवन मेंबर्ड रिंग बना तो एक तरफ देख लो बच्चा एक कीटोन है और एक कार्बन पे क्या लगा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई। क्या मेरी बात आप समझ गए, पक्का समझ गए, नहीं समझे तो बेटा घोड़ो ये लो 5 6 और ये 7, यानी ये एक सेवन मेंबर्ड की रिंग बन गई है, और याद रखना ये रिंग एक्सपेंड सिक्स मेंबर्ड की रिंग सेवन में जाती भी है, 4 5 5 6 6 7 7 8 चलता रहेगा, ये कर लोगे ये काम, नोट डाउन कर लो, ढंग से नोट डाउन कर लो इसको। तो ये कहानी है एक फेमीपिनाकोलोन टाइप की रीअरेंजमेंट की, जिसमें हमने डायजोनियम खुद बनाया और उसे डायजोमीथेन से बनाया, है ना, कर लोगे काम पक्का। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अब कहानी शुरू क्या होती है, मान लीजिए आपसे पूछा गया है इफ इफ वी हैव दिस रिंग, जरा देख लो, इफ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, देख लो यहाँ पे है सी एच टू नहीं है, सी एन टू है, सी एन टू क्या है, और यहाँ है सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज योर एच डब्ल्यू। इस लेवल में आप ये कहानी कर लोगे, पक्का कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेवल को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की बात करते हैं, मिटा देता हूँ मैं इसको, लेवल थ्री, जरा इस पे हम गौर फरमाएंगे और इस लेवल में कहानी क्या चलेगी वो देखेंगे, दैट इज़ अ लेवल थ्री, और इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे सब लोग, एवरीबडी प्लीज़ फोकस ऑन दिस लेवल थ्री। यहाँ कहानी होगी, यानी ये कहानी है क्या, ज़रा देख लीजिए, स्टीरियो केमिकल aspect of what, semipinacolone rearrangement, yes, सारे semipinacolone rearrangement की reactions की stereochemical aspect में यहाँ पे दिखा देता हूँ। मतलब क्या होगा, एक सवाल से मैं start कर रहा हूँ, the question is that, देखो एक question, देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक ester tertiary group है, यहाँ पे बना हुआ है, board पे देखना, ढंग से देखना बच्चा लोग, यहाँ है NH2 ग्रुप, ठीक है पक्का, और यहाँ पे है OH ग्रुप, ये है, और एक कहानी क्या है जरा देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा, दैट इज द स्टोरी, ये आपका है NH2 ग्रुप, है ना, और इसी पे मैं लेकर के आ गया हूँ यहाँ पे, दैट इज OH ग्रुप। क्या ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं क्या, तुम बोलो आइडेंटिकल हैं क्या, जरा देखो तो बोर्ड पे, तो ये अगर HNO2 के प्रेजेंस में लिखे जाएं तो क्या बनाएंगे, जरा हमें आप बताइए क्या बनाएंगे ये, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये सेमीपिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, क्या ये टीडी रीअरेंजमेंट है, 1 2 अमीनो अल्कोहल, यस HNO2 डाइजोनियम बनेगा, ये इसको रिपेल कर सकता है, पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या दोनों एक जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे या अलग अलग, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ सेमीपिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले एक एक करके स्टेप वाइज इसको समझते हैं, और वो स्टेप्स क्या है, बोर्ड पे फोकस करेंगे।
तो मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो अगर इसकी स्टीरियो दे रखी है इसका मतलब स्टीरियो के क्वेश्चन है ये, तो स्टीरियो के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो जरा बोर्ड पे देखो। इसका सबसे पहले ना स्टेबल चेयर फॉर्म बनाने का, क्या बनाने का बच्चा लोग, स्टेबल चेयर फॉर्म। और स्टेबल चेयर फॉर्म सब लोग बनाने जानते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो बल्कियस ग्रुप होता है उसको इक्विटोरियल पोजिशन पर रखते हैं। तो बताओ मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊं, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन, आप बताओ। आपको सबसे पहले बल्कि ग्रुप को रखना है अबव द प्लेन, तो इक्विटोरियल तो सब जगह है, यहाँ भी सब जगह इक्विटोरियल होते हैं, पर आपको ये बात का ख्याल रखना है कुछ जगह इक्विटोरियल बिलो भी होते हैं, कुछ जगह एक्सियल होते हैं, सॉरी अबव द प्लेन होते हैं, तीन जगह बिलो होते हैं, तीन जगह अबव होते हैं। तो हमें उन तीनों पोजिशन को सेलेक्ट करना होगा जो अबव द प्लेन इक्विटोरियल रखते हैं, और वो कौन कौन सी जगह है जरा बताओ। क्या ये जगह है बिल्कुल, क्या ये जगह है बिल्कुल, क्या ये जगह बिल्कुल, क्या ये जगह है बिलो द प्लेन, नहीं क्योंकि बिलो द प्लेन है, ये तीनों बिलो द प्लेन्स हैं, यहाँ तीनों अबव द प्लेन्स होते हैं, ये शायद आप जानते हो ना यार। जिसका मतलब हमें सबसे पहले प्लेस करना होगा इन ग्रुपों को अबव द प्लेन। यस, प्लेसमेंट डन, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने इनको प्लेस कर दिया है, अब कहानी शुरू हो जाएगी, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब जैसे ये ग्रुप दिखे गए, जिसकी जो स्टीरियो है उसके अकॉर्डिंग प्लेस की जाती हैं ये चीज़ें, यानी एक ग्रुप को आपको रखने की आज़ादी है, वो आप अपने अपने हिसाब से उसको एबव बिलो दे दो, एंड देन आफ्टर आपके पास अब कोई आज़ादी नहीं है, आपको उसकी स्टीरियो के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा कि अगर ये थर्ड पोजिशन पे अबव द प्लेन है तो आपको उस साइड पे जाना है, थर्ड साइड में जो पोजिशन अबव द प्लेन होते हैं आप उसको रखेंगे। आप एक्सियल इक्वेटोरियल की पोजिशन मतलब कंसेप्ट को ध्यान अब नहीं रखेंगे, यहाँ एन एस टू अबव है, और अबव कौन है यहाँ पे, ये वाला ग्रुप, इसका मतलब एन एस टू ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, लगा दीजिए, यस एन एस टू ग्रुप इज देयर। ये कहानी है, OH भी अबव द प्लेन है, अब इसको एक्सियल इक्विटोरियल देखना ही नहीं, अबव द प्लेन यहाँ होता है, यस ये OH अबव द प्लेन है, मतलब ये तुम्हारा सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होता है दिस सिस्टम का। अब पुरानी बातें हैं, HNO2 से क्या करोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, N2 पॉजिटिव, यस नाउ वी हैव N2 पॉजिटिव लिविंग, ये उड़ने को तैयार है, निकलने को तैयार है, लेकिन इसको धक्का मारेगा कौन, OH ग्रुप। तो अब मेरी बात सुनना, देखो जरा ढंग से देखना है, यहाँ पे यहाँ इस ग्रुप के जो एंटी पोजिशंस होते हैं ना, क्योंकि इस OH का कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा, और उस माइग्रेशन के लिए कौन है, एक H पड़ा हुआ है और एक R ग्रुप है, ये तो माइग्रेट करेगा नहीं ना यार, तो इस OH ने बोला है कि चलो माइग्रेट करो, तो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर ही नहीं फॉलो होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो एंटी ग्रुप होते हैं ना वही इसके बॉन्ड के एंटी, और इस बॉन्ड का एंटी ग्रुप कौन सा होता है जरा बोर्ड पे देखो बच्चा लोग, दैट बॉन्ड इज एंटी ग्रुप ऑफ दिस बॉन्ड। एंटी ग्रुप याद रखना, एंटी ग्रुप कौन किसके होते हैं, बॉन्डों का, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वो मैं डिफाइन कर दूँ क्या, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, और एक पॉइंट समझ लेना जो आपको दिमाग में रखना है वो क्या है, ये सब नेट के बच्चों को मैंने बता रखा है जब फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा था मैं, यहाँ भी आप एक बार देख लो बच्चे लोग, जो जैम के बच्चे हैं प्लीज़ बेटा देखो इधर, यानी यहाँ पे क्या है, इस ग्रुप का एंटी ग्रुप कौन होता है, दैट ग्रुप इज द एंटी ग्रुप ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक है, ये और ये बॉन्ड होते हैं एंटी वाले, पर तुम्हें अभी ये बॉन्ड को देखना पड़ेगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि अगर यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा दिया गया है, देखो इधर देखो, यानी एक इक्वेटोरियल बॉन्ड का एंटी बॉन्ड अगर ये तुमने लिखा है ना, तो ये वाला बॉन्ड इसका एंटी बॉन्ड होता है, तो अगर कुछ माइग्रेट करेगा ये निकला तो एंटी पोजिशंस वाले ग्रुप वहाँ से शिफ्ट होते हैं, है ना, अगर ये अगर देखा जाए। और वैसे ही अगर कोई आपसे पूछे, देखो इन्हीं पोजिशनों पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है बच्चा, और अगर एक्सियल होते तो एक्सियल का तो कोई मतलब ही नहीं, एक्सियल का तो ये एंटी ग्रुप्स होते ही होते हैं, है ना, तो इक्विटोरियल बॉन्ड के एंटी ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो दिमाग में आपको रखना होगा, ये बात ध्यान में रख लो। तो इसका मतलब अगर ये N2 है बच्चा, तो N2 से ये ग्रुप अगर निकला तो एंटी ग्रुप कौन से होंगे, ये वाले, और ये अगर माइग्रेट करेंगे तो कहानी क्या बनेगी वो जरा देखने का, पक्का देखने का, चलो ये पॉइंट दिमाग में रख लेने का, है ना, और कौन से ग्रुप एंटी होते हैं इसको डिसाइड कर लेने का, आगे बढ़े क्या, बढ़ जाते हैं इसमें, और सी बातें हैं वो मैं लिखवा दूँ क्या, चलो लिखवा ही देता हूँ, क्या है इसमें आप देख लेना। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप को रख दिया है तो क्या होगा, एंटी ग्रुप ये बन जाएगा, है ना यार, अपने तो अपने हाथ में सीखना, बस उसको रिवर्स कर दो, यहाँ पे अगर लगा दिया है, यहाँ अगर लगा दिया है तो एंटी ग्रुप इसका कौन होगा तुम्हें बता दो, अरे बता दो यार, ये ग्रुप हो जाएंगे।
तो इसका मतलब इन पोजिशनों पर रखना होगा, इन्हीं पोजिशनों पर अपने ग्रुप्स को रखना, ठीक है, ताकि इनका एंटी ग्रुप बताना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। इसका एंटी ये भी होता है, इसका एंटी देखो बच्चा लोग ये भी होता है, इसका एंटी ये भी होता है, ये दोनों बॉन्ड एंटी होते हैं। अगर ये बना दिया है तो इसका एंटी ये होता है, देख लो। तो इसका मतलब इसके एंटी ग्रुप कौन से होते हैं, ये भी होते हैं और ये भी होते हैं। एक कार्बन एक बॉन्ड को छोड़ करके उसका ग्रुप एंटी बन जाता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा दिया है तो इसका एंटी कौन होगा, इसके एंटी ये वाले होंगे और ये वाले होंगे। नहीं समझे बात को? अरे समझ गए होंगे ना यार। और एक्सियल जो होते हैं उसके एंटी तो आपको पता ही है, यहाँ एक्सियल है, इस एक्सियल का एंटी ये हो जाता है, ये भी इसके एंटी हो जाते हैं। तो दो एंटी कौन कौन से होते हैं, ये दोनों एंटी बन जाएंगे पक्का। अगर यहाँ अगर ग्रुप लगाओगे तो ये भी एंटी होगा और ये भी एंटी हो जाएगा। अरे ये सब पता होगा ना यार, स्टूडियो में पढ़ा है आप लोगों ने, पक्का ना। आगे बढ़े चलो। अब ये तमाशा मैंने क्यों किया, ये एंटी वेंटी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जब भी कोई रीअरेंजमेंट होती है और शिफ्टिंग होती है और वो लॉक्ड स्ट्रक्चर है, मूव नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर सकता, लॉक्ड है वो, तब ऐसे केसेस में वहाँ पे जो ग्रुप एंटी होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को छोड़िए, जो ग्रुप एंटी होता है वही माइग्रेट करता है। एसाइक्लिक में क्या होता है, रोटेशंस होती हैं तो कोई भी ग्रुप एंटी आ सकता है, तो वहाँ पे क्या होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो हो जाते हैं कि एच माइग्रेट करेगा, मिथाइल माइग्रेट करेंगे, फिनाइल माइग्रेट करेंगे, तो एच का माइग्रेशन फास्ट, फिनाइल का माइग्रेशन फास्ट, देन मिथाइल का माइग्रेशन होता है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। तो इसका मतलब यहाँ से जब ये रीअरेंजमेंट होंगी तो बताओ बच्चा क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या रिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्या रिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पक्का कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि अब ये बॉन्ड बन गया है और इसने लोन पेयर दे दिया होगा और यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया होगा और यहाँ पे अबव द प्लेन ये रह गया होगा, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट बनेंगे दैट वन, और यहाँ पे मान लो आपने ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फाइव और ये सिक्स दिया था, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फाइव और ये सिक्स, और थ्री पोजिशंस पे लगे हैं एल्डिहाइड और वन पोजिशंस पे लगे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या हमारी बात आपको समझ में आई, आई पक्का आई ना, पक्का आई ना, चलो नोट डाउन कर लो इसको। अब इन्हीं में मैंने क्या चेंज किया था बताओ, OH और NH2 के चीज़ों को बदल दिया था, और अगर मैंने चीज़ों को बदल दिया है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, जरा वो हमें बताइए, जरा बोर्ड पे देखिए। अगर मान लीजिए बेटा मैंने क्वेश्चन आपको घुमा करके, ये ना क्वेश्चन दे करके यहाँ पे आपको NH2 दे दिया है, देखो जरा इधर NH2 और यहाँ पे OH को बिलो द प्लेन दे दिया है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा बताओ, पक्का याद है, कन्फर्मेशन स्टेबल बनाएंगे, और वो आपको बनाने आता है, स्टीरियो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो रुकना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें, चिंता मत करो। यानी यहाँ पे आपको मिलेगा ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसी में NH2, अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, NH2 को नीचे ही रखना पड़ेगा, एक्सियल इक्विटोरियल भूल जाओ, OH बिलो है, नीचे रखना पड़ेगा, ओहो हो, OH और NH2 बन गए। क्या है, HNO2 डाला था ना, क्या डाला था यहाँ पे, HNO2, और HNO2 का काम क्या है, डाइजोनियम क्रिएट कर देना, लिविंग ग्रुप। अब बताओ ये अगर लीव कर रहा है, इसका एंटी ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन। अरे यहाँ एंटी ग्रुप N2 का कौन है, H है, वाओ ये गया, ये गया, और इसकी जगह कौन ले रहा है, H। इसका मतलब जब ये रीअरेंज करेगा, क्या रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई बताओ, नहीं है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात ही नहीं, H शिफ्टिंग हो गई, यहाँ क्या बन गया होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, दैट मीन्स कोई लफड़ाइश नहीं है। और अगर इसकी जगह तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, नॉर्मली 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, वन पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, फोर्थ पे कीटोन बनाया, क्या रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई, नहीं ना, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। तो अभी जो मैंने बनाया है वो दोनों ज्योमेट्रिक सिस बनी थी, वो भी सिस था, ये भी सिस था, पर दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग है, रीजन क्या है, एंटी माइग्रेशन, और एंटी माइग्रेशन में ही दिक्कत आपको आएगी, तो ये पॉइंट आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा, पक्का समझ गए। तो सिस वाली बात हमने कर ली है, जरा ट्रांस की बात करें, कर लेते हैं, जरा देखो इधर, मान ले अगर सवाल आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल दे दे और बोल दे कि यहाँ पे अगर मैंने NH2 को ऊपर की ओर रखा है
और OH को बिलो रखा है, पहले तो दोनों को सिस रखा था ऊपर या नीचे, अब इन दोनों को ट्रांस कर दिया है, क्या बनेगा? लॉजिक वही है, रास्ता वही है, आपको बस पहचानना है। ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन आपको रखना पड़ेगा, NH2 भी अबव द प्लेन रखना पड़ेगा, पर OH भी बिलो द प्लेन है, बना दीजिए क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे HNO2 का इस्तेमाल किया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बताओ? N2 पॉजिटिव, उड़ने को तैयार है, एंटी माइग्रेशन कराना होगा, ये ग्रुप है एंटी, ये एक एक्सियल पे थोड़ी, ये इक्वेटोरियल पे है, लीव कर गया, पॉजिटिव चार्ज बनने वाला था, O ने धक्का मारा, बोला तू माइग्रेट हो, इस कार्बोकन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनना चाहिए, मेरे ऊपर बनाना, कैरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई, आप ही बता दो बच्चा प्लीज, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये बॉन्ड टूट गया ना यार, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया और यहाँ पे अबव द प्लेन। तो जरा सोचो, जो यहाँ पे NH2 भी अबव था, OH भी अबव था, उन दोनों के प्रोडक्ट, अरे एक ही बन गया ना यार, फाइव मेंबर की रिंग बन गई होगी, और यहाँ पे टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस में ये दोनों करेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना यार। अब बताओ, मिटा दूं? अरे मिटा देता हूँ यार। अब यहाँ पे अगर इनको बदल दिया, इनको बदल दिया, क्या हो गया? देखो यहाँ पे ट्रांस तो बनाया, पर इस ट्रांस की जर्नी में NH2 को नीचे रख करके OH को ऊपर कर दिया, ये तमाशा समझ में आना चाहिए आपको। क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, स्टेबल कन्फर्मेशन बनाएंगे। ओहो हो यस, यानी यहाँ अबव द प्लेन NH2, बिलो है, बनाइए बिलो द प्लेन। अब ये OH अबव है, अबव द प्लेन बनाइए इसको, कहानी अब शुरू होगी। डाइजोनियम डाला, बंद HNO2 डाला, डाइजोनियम बनने को तैयार है, ये निकलने को तैयार है, और एंटी ग्रुप खुद ही OH है। ओहो, यानी अब OH बोलेगा माइग्रेट कर, और ये दोनों मना कर देंगे, भैया हमारे से कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब तुमसे ना हो पाएगा, और अगर इनसे कुछ नहीं हो पाएगा तो वो ही कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या करेगा बताओ? ये लीव कर गया है, कार्बोकैटायन तड़प रहा है, और ये दोनों निकलने को तैयार नहीं है, तब क्या होता? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो खुद ही बोलेगा मैं ही अपना लोन पेयर दे देता हूँ, क्योंकि मैं तो एंटी हूँ ना, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तो हूँ। और ऐसे केसेस में यहाँ पे आप बताइए क्या बनेगा? दैट इज द रिंग फॉर्मेशन। यस, रिंग तो बनेगी, इपॉक्साइड की बनेगी, और इपॉक्साइड की भी रिंग ऊपर से बनेगी, नीचे से नहीं। इसका मतलब यहाँ पे अगर कहा जाए तो सिक्स मेंबर्ड की रिंग बनेगी, कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, डी कॉन्ट्रैक्शन, अबव का अबव रह गया। लेकिन एक बात बताओ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 3 और 4 पे अबव द इपॉक्साइड बनेगा, ना कि बिलो द प्लेन। क्या तमाशा समझ में आया आपको? कीटोन भी बन सकते थे, एल्डिहाइड भी बन सकता था, इपॉक्साइड भी बन सकते थे, तो यहाँ पे क्या बना होगा? इपॉक्साइड। रीजन साफ है, कोई एंटी ग्रुप माइग्रेशन के लिए मौजूद नहीं है। पक्का समझ गए मेरी बात को? चलो नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, और होमवर्क लिखो इसका, स्टीरियो केमिस्ट्री एस्पेक्ट का। आपको अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और वो जवाब क्या देना है आप लिखो, सवाल लिखो, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यू हैव टू बी डन, आपको बताना पड़ेगा। और वो जवाब क्या है मुझे बताना। अगर यहाँ पे मुझे बिलो द प्लेन मैंने ये दे दिया है, दैट इज अ बिलो द प्लेन, और यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है OH, यहाँ पे है NH2A, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है बिलो द प्लेन, वही कहानी मैंने दी है, बस आपको क्या किया है ना, समझ रहे हो ना क्या किया है? अरे सारा काफ़ी है इसको समझने के लिए यार, बस इसको बिलो रख दिया है, बाकी चीज़ें वही थी, तमाशा बदल जाएगा, तमाशा बहुत है इसमें। मुझे बताना, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे OH है, पर ये बिलो द प्लेन है, एक बार मैंने सिस दे दिया, एक बार मैंने ट्रांस दे दिया, और यहाँ पे बिलो द प्लेन NH2, अबव द प्लेन OH। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दे दिए गए हैं, ए बी सी और डी। पक्का? पहला सवाल लिखो तुम, मैं थोड़ी लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, इन तीनों में, चारों में से कौन से प्रोडक्ट आपको बनाने वाले होंगे? ये ऑप्शन दे रहा हूं मैं, लिखो यहाँ पे, पहले सवाल नोट डाउन कर लो। और आपका क्वेश्चन नंबर वन ये है, क्वेश्चन नंबर वन ये है, इसका जवाब आपको देना है।
किसमें ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, किसमें दैट मॉलिक्यूल विल फॉर्म, जरा बोर्ड पे देखने का। कौन से ए बी सी डी में आपको जवाब देना है। पहला सवाल, इनमें से कौन सा अमीनो अल्कोहल डीसी पॉक्साइड की रिंग जनरेट करेगा। दूसरा सवाल लिखते चलो, दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर टू, इस टू में आपको बताना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपको ये कीटोन देने वाला है। आंसर आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट विल बी द आंसर, लिख लोगे। विच अमंग द फॉलोइंग कौन कौन से ये बनाने वाले हैं, लिख लेना। एंड द क्वेश्चन नंबर इज थ्री, वो यही है कि इनमें से कौन से एल्डिहाइड बनाएंगे, कर लोगे ये काम। तो आपको बताना है फर्स्ट जो इपोक्साइड की रिंग बनाए, सेकेंड जो आपको क्रिएट करे कीटोन, और जो आपको क्रिएट करे एल्डिहाइड। समझ गए। तो चलो, ये कहानी थी डेमेंजर जो भी था रीअरेंजमेंट की। समझ गए बात को। अब आपका काम क्या है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आगे तक बढ़ाओ ना यार। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।